वैश्विक महामारी के बीच सरकार ने सभी राशन कार्ड धारियों को अनाज मुहैया कराने की घोषणा की है, लेकिन सहरसा शहरी क्षेत्र के वार्ड संख्या 27 में जनवितरण प्रणाली विक्रेता अशोक भगत द्वारा लाभुकों को अनाज देने में कोताही बरतने और लाभुकों से दुर्व्यवहार करने का मामला सामने आया है। लाभुकों ने डीलर पर मनमानी करने का आरोप लगाते हुए इसकी शिकायत अपने वार्ड पार्षद से करते हुए वरीय पदाधिकारी से कार्रवाई की मांग भी की है। वहीं लाभुकों की शिकायत पर वार्ड 27 के पार्षद से डीलर पर मनमानी करने का आरोप लगाते हुए उचित कार्रवाई की मांग की है, जिसके बाद अधिकारियों की 3 सदस्य टीम बनाकर जांच करते हुए डीलर अशोक भगत से शो कॉज किया गया। वहीं इस बाबत पर सदर SDO शंभुनाथ झा ने कहा कि जांच टीम अधिकारियों द्वारा जांच की जा रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि फिलहाल कालाबाजारी का मामला अभी तक सामने नहीं आया है, BSO के द्वारा भी जांच की गई है। डीलर के यहां से स्पष्टीकरण का रिपोर्ट आने के बाद विभागीय कार्रवाई की जाएगी। सहरसा से अमन कुमार की रिपोर्ट, न्यूज़ पॉइंट। सर, वार्ड 27 के डीलर पर आरोप है कि जो लाभुकों को राशन देने में कोताही बरतते हैं और उन पर जांच टीम भी गठन की गई थी, क्या जांच हुई और क्या कार्रवाई हुई? वार्ड 27 के डीलर अशोक भगत के बारे में कुछ लाभुकों से शिकायत प्राप्त हुई थी वार्ड पार्षद के लेटर पैड पर। वार्ड पार्षद के लेटर पैड पर जो लाभुकों कुछ लाभुक का नाम लिखा हुआ था लगभग 10-12, उसके आधार पर उन्होंने जांच टीम का गठन किया और सभी लाभुकों का बयान जांच दल के द्वारा लिया गया। जो जांच दल में हमारे कार्यपाल दंडाधिकारी और MO जो मार्केटिंग ऑफिसर सभी क्षेत्र हैं वो थे। सभी जांच लाभुकों का बयान लेने के बाद जांच रिपोर्ट प्राप्त हुआ है, डीलर से शोकॉज किए, कारण पूछा किए हैं। डीलर का जवाब आने पर नियमानुसार उचित कार्रवाई की जाएगी। जांच रिपोर्ट में कोई कालाबाजारी का कोई मामला अंकित नहीं था, केवल जो मामला था लाभुकों के से साथ व्यवहार के बारे में था और कुछ लाभुकों का जो लिखित शिकायत था जो हमको मतलब अनाज में आनाकानी किया जाता है उसके आधार पर हम लोगों ने शोकॉज किया है। डीलर से जवाब आ जाता है, उसके बाद हमको निश्चित निर्माण सरकार कार्रवाई करते हैं। सर, हाँ, कौन कार्ड था? पीला कार्ड था। डीलर के थी? अशोक भगत। की कहे छा? अभी राशन नहीं मिलता कि ना, कार्ड जब तक नहीं आ रही बनता। कितने दिन से राशन नहीं दिलका? 5 महीना। 5 महीना से कितने परिवार छो? 6 नोट रही है। हाँ, अभी 5 बचल से। 5 परिवार छो? हाँ, चार बचवा। तो की दिक्कत भला? दिक्कत की भला? राशन में छोड़ने दे से दिक्कत से ना, छोटा छोटा बाल बच्चा ला करके दिक्कत परेशानी से। हाँ, जाए छो तो बार बार घुरा दे। बार जाए छे घुरा दे, कल के राशन नहीं मिलता जब तक नया कार्ड नहीं बनता। नया कार्ड की BPL कार्ड से तो? हाँ, अंत्योदय वाला। हाँ, अंत्योदय वाला। अंत्योदय वाला, हाँ, पीला कार्ड। गरीबी देखा। शिकायत नहीं कर ला SDO से, वार्ड कमिश्नर से? वार्ड कमिश्नर ने तैयार करके दो बार शिकायत करवे कर लिया, वो बारी कर लिया तो चालू कर दिल्क, फिर वही बंद कर दिल्क। अगला बार कल के वार्ड कमिश्नर तो दिल्क है? हाँ, फिर बंद कर दिल्क। हाँ, डरे नहीं से ककरो से? वो अब केना के अहर के जानबे जे केना की ओकरा मन में रहे छे। ठीक ठीक, की नाम छे? हमर सत्तो गुप्ता। सत्तो गुप्ता, 27 से? हाँ, 27। ठीक। अशोक भगत के यहाँ 2 कार्ड लेके 4 आदमी है, 8 आदमी है, उसमें 8 किलो गेहूँ दिया। अच्छा। 12 किलो चावल दिया। क्या बोला? वो बोला कि नहीं, इसे फजल नहीं मिलेगा। एक कार्ड और है, मौसमत कार्ड है, उपरेनु का कहा नहीं, उस पर नहीं देंगे। किस वार्ड के हैं आप? 27 नंबर वार्ड के। डीलर का नाम क्या है? अशोक भगत। परेशान कर रहा है, सामान नहीं दे रहा है? नहीं दे रहा, परेशान कर रहा है। कितना गेहूँ चावल वाला आपके हिसाब से होना चाहिए? हमारा हिसाब से वो दे रहा था 28 किलो के चावल, 22 किलो गेहूँ। दिया कितना? दिया 8 किलो गेहूँ, 12 किलो चावल। ठीक। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।